वेलकम बैक टू सना विक्की ब्लॉग चैनल। और गाइस बताओ कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे। तो गाइस आज कितना तारीख है, 14 है। तो गाइस सुबह हो चुकी है। और गाइस ये वीडियो तो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट ये आज का वीडियो ये आज ही चला जाएगा। मगर कुछ दिन पहले मैंने कुछ रेसिपी बनाया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। मैं बस रिकॉर्ड करके रख लिया था मैंने कि कभी दिन तो ऐसा होगा कि मैं शेयर कर दूँगी। तो इसलिए मैं कभी कभी होता है कि वीडियो पहले बना के रख लेती हूँ और शेयर बाद में करती हूँ। तो ऐसा बहुत लोग करते होंगे। तो गाइस और बताइए क्या चल रहा है सबका। वहाँ कोरोना ही चल रहा है। पहले पूछते थे क्या चल रहा था, फोक चल रहा है, बहुत चल रहा था पहले। और अभी किसी से पूछो तो बोलते कोरोना चल रहा है। तो गाइस बस यही सब है। और जो मैंने रेसिपी शेयर किया आप लोग, आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा गाइस। तो गाइस यही बोलना है और चलिए मिलते हैं रेसिपी देखने के बाद। तो अगर रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो हे गाइस देखिए मैं आ चुकी हूँ अंडा के साथ। तो मैंने इसे उबलने के लिए चढ़ा दिया है गाइस। और मैंने चावल ले लिया है 2 कप। तो चावल को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। फिर वॉश करने के बाद इसमें करीब 1 कप पानी डाल के इसे थोड़ा देर भिगो के छोड़ दूँगी। और आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। तो गाइस ये देखिए, ये टमाटर का पेस्ट जो कलर लाएगा और खट्टापन भी अच्छा लगता है गाइस। तो और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है प्याज। देखिए मैंने सब कुछ रख लिया और लास्ट में मैंने ले लिया दही। तो दही तो बहुत ज़रूरी है गाइस। और मैंने ये कुकर ले लिया, उसमें मैंने कुकर गर्म होने के बाद तेल डाल लिया। और ये घी है। तो आप लोग भी जब बनाएं तो घी ज़रूर डालें ताकि अच्छा खुशबू भी आए और एक खाना भी एक अच्छा बने आप लोग से। तो गाइस उसके बाद मैंने डाल दिया प्याज। तो प्याज हम लोग को गोल्डन ब्राउन करना है गाइस। आप लोगों को पता ही है कि बिरयानी में गोल्डन ब्राउन ही लगता है। और गाइस मैं बोल दूँ कि मेरा कैमरा का वजह से कोई वीडियो छोटा हो जा रहा है, कोई बड़ा हो जा रहा है। तो गाइस मैं अभी सीख रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो आप लोग इग्नोर करिएगा उसको। और गाइस देखिए और ये फ्राई हो रहा है गाइस। इसे हमें मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करके इसे करना है और गोल्डन ब्राउन तक करते रहे। बस हो गया गाइस, अब मैं इसे निकाल लूँगी। और मैंने इसके बाद रख दिया इसमें अंडा, जिसे हम लोग फ्राई कर लेंगे अच्छे से। फिर अंडा निकालने के बाद हम जो तेल था मैंने उसमें तेल ऐड करके इसके बाद मैंने प्याज रख दिया। तो गाइस ये कुछ वो जैसा हो रहा है, बबल बबल जैसा हो रहा है। तो गाइस ये अंडा जो एक टूट गया था उसकी वजह से हो रहा है। तो गाइस उसको इग्नोर करिए। और ये डाल दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डालते ही बबल्स गायब हो गया। तो ऐसा ही होता है गाइस। और उसके बाद मैं ले लूँगी ये खड़े मसाले हो गए और ये टमाटर का पेस्ट मैंने डाल दिया। आपको मैंने पहले ही बताया कि इससे अच्छा कलर आता है और इससे खट्टापन भी आता है। तो गाइस आपको पता ही है कि सब्ज़ी में खट्टापन बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो इस कारण मैंने दो टमाटर को पीस लिया था गाइस। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें हल्दी पाउडर। फिर मैं उसके बाद डालूँगी ये धनिया पाउडर। फिर इसके बाद ये मिर्ची पाउडर। फिर उसके बाद मैंने जीरा तो मैंने डाल दिया था गाइस। और उसके बाद मैंने ये डाल दिया गरम मसाला। तो आप लोगों को पता है ये मैंने गरम मसाला सब कुछ डाल दिया। और इसको ना हम लोगों को अच्छे से मिला लेना है। तो इसे अच्छे से मिला लेना और जब तक कि अच्छे से फ्राई ना हो जाए इसे मिलाते रहे। तो गाइस देखिए कितना लाल लाल लग रहा है। और गाइस इसके बाद ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें दही। और दही आपको ऐसा चलाना है जैसे कि आपके पीछे कोई भाग रहा हो, आप स्पीड भाग रहे होंगे। तो गाइस इस तरीके से हम लोग को चलाना है ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए और फटे ना। मैंने गैस थोड़ा कम कर दिया गाइस, आप लोग भी इस तरीके से करिएगा वरना दही फट भी सकता है। तो गाइस देखिए मेरा दही पूरा मिक्स हो चुका है। और देखिए क्या कलर आया गाइस, देखिए पूरा एकदम रेड हो गया। उसके बाद मैं लास्ट में नमक डाल दूँगी क्योंकि नमक बीच में दही का बार डालने से गाइस ऐसा होता है कि कभी कभी फट जाता है, तो इसलिए इसको लास्ट में डालें। उसके बाद देखिए गाइस कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसे अच्छे से फ्राई कर लेना। और गाइस ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, मेरा ऑयल भी निकल चुका है। तो इसमें मैं चावल डाल दूँगी अब।
तो आप लोग सोच रहे हैं चावल फ्राई करूँगी तो ऐसा नहीं है, मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो मैंने पानी ऐड कर दिया गाइस, और इसमें देखिए मैंने अंडा भी डाल दिया। तो ऐसे ही मैं जस्ट दिखा रही थी कि पानी पहले अंडा डालिए फिर चावल डालिए, क्योंकि जिस मैं तो थोड़ा सा बनाया, जिस जो ज़्यादा बनाएगा उसको इस प्रकार से ही डालना है, क्योंकि इस प्रकार से डालेगा तो मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा। तो गाइस ये जो मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया था मैंने उसको ऊपर से रख दिया है, और इसे थोड़ा उबलने दे, उबलने जब उबलने लगे तो कुकर बंद कर दे और 2 सीटी लगा दे। और गाइस देखिए ये बन के अभी तैयार हो चुका है, वाओ। तो आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया और मैंने बनाया था 1 बिरयानी। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और गाइस मुझे तो बहुत अच्छा लगा बनाने में, और गाइस ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, सिंपल, आप चाहे तो आधा घंटा का अंदर में भी बन सकता है गाइस। तो यही था, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो गाइस मैं खुद ही बोल रही हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि नहीं। तो गाइस आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तो और बस आज का वीडियो में मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और मैं और बात करूँगी तो और लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि सबका सबका टाइम अपना अपना लिए सबका इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी का मैं एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करूँ। तो सबका टाइम अपना अपना लिए इम्पोर्टेंट ही होता है, तो कुछ अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के मेरा वीडियो देख लीजिए गाइस। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो मेहनत तो सभी करते हैं, ऐसा बात नहीं कि मैं ही करती हूँ, तो मेहनत सभी करते हैं। तो इसलिए गाइस मैं वीडियो ज़रूर देखिएगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और गाइस बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप देख पाओ। तो गाइस बस आज का वीडियो में इतना ही, और बस बहुत हो गया, इतना ही बोलूँगी मैं। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अभी कोरोना का टाइम चल रहा है गाइस, तो आप लोग बाहर जाए तो मास्क पहन के जाइए, और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक ले बाय, लव यू सो मच। तो हे गाइस मैंने आवाज़ थोड़ा चेंज करके डाला है, यूनिक वीडियो पहले भी डाला था मैंने, अभी भी डाला, तो आप लोगों को पसंद आएगा तो कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं अपना आवाज़ में बोलूँगी गाइस।